एक गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ। और मैं गोरखपुर पहुँचने वाली हूँ, 15 से 20 मिनट मुझे लगेगा। और साथ में यार पूरी रात इतनी ठंडी लग रही थी, जो मेरा प्लान था ना कि रात में सोते हुए सुबह गोरखपुर आराम से पहुँच जाएंगे, बिल्कुल भी रात में नींद नहीं आई। एकदम इधर उधर करवट लेते ही पूरी रात गुजरी, क्योंकि इतनी ठंडी लग रही थी ना यार, पूरा एकदम कंपार्टमेंट इतना ठंडा है कि पूछो मत। और कोई ऑप्शन नहीं होता है आपके पास कि आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सको। पूरी रात मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, अभी भी लग रही है। अब तो लग रहा है ना कि अगर एकदम गर्मी में मुझे छोड़ दिया जाएगा ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, इतना ठंडा मुझे यहाँ पर लग रहा था। तो देखो उजाला हो गया है, बस 15-20 मिनट लगेगा मुझे अपने स्टेशन पर पहुँचने में, और फिर वहाँ से हम पहुँचेंगे हॉस्टल। ऑटो लेके पहुंच चुकी हूँ अपनी हॉस्टल की कॉलोनी में, और सामने है मेरा हॉस्टल क्या, दिव्या शर्मा का हॉस्टल। एक बार मैं यहाँ पे स्टे मैंने किया था, उन लोगों के साथ ही किया था, एक महीने के लिए आई थी। और उसके बाद तो मैं बस फ़ोन करती हूँ, दिव्या मैं आ रही हूँ, शर्मा मैं आ रही हूँ, तो उन लोगों के साथ ही रहने के लिए मैं आ जाती हूँ। एक दो दिन का मेरे लिए काम रहता है, तो इसके लिए मैंने ऐसे परमानेंट हॉस्टल नहीं लिया है। जब आती हूँ मैं इन लोगों के पास में स्टे करती हूँ यहाँ पर। हॉस्टल में एकदम सन्नाटा है, लग रहा है कि सब लड़कियां सोई हुई हैं। वैसे हॉस्टल का माहौल ऐसा ही होता है, लेट नाइट सब जगते हैं और अर्ली मॉर्निंग सब सोते रहते हैं। सब लग रहा है सोए हैं। गुड मॉर्निंग। गर्मी में सोए हैं। कितना हॉस्टल वाले कितना वो करते हैं यार, देखो एकदम मरेला सा फैन दे के रखते हैं बच्चों को। फीस लेने के टाइम पे एकदम टाइम पे लेंगे ना। फैसिलिटीज़ के नाम पे नीलबट्टे सन्नाटा। सो जाओ। जब मैं हॉस्टल आई तो बाकी सब सो रहे थे, तो मैं भी सो गई 1.5 घंटे सोने के बाद। अब मैं उठी हूँ, बज गए हैं 9, तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट ब्रश कर लेती हूँ और नहा लेती हूँ, फिर निकलती हूँ कॉलेज जाने के लिए। यूनिवर्सिटी जाती हूँ और फिर फटाफट अपना काम निपटाते हैं। अगर हो जाएगा तो आज ही निकलेंगे, नहीं होगा तब तक तो वेट करना पड़ेगा। फिर एक दो दिन स्टे करूँगी, उसके बाद ही निकलूँगी मैं यहाँ से। हाँ तो क्या, हम लोग हो गए तैयार और दिव्या को जाना है 10 बजे, मेरे को भी जाना है 10 बजे। लेकिन हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं आई थी तब सब सोए थे तो हम लोग बात नहीं कर पाए थे, इसके लिए अभी बात कर रहे हैं। और मुझे सुषमा से भी मिलना था, मैं 2 बार ऊपर गई लेकिन सुषमा का दरवाज़ा बंद था, तो इसके लिए मैंने सोचा कि सुषमा को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग कॉफ़ी वॉफी पी के बैठे हैं और दिव्या ने मेरे लिए खाना भी बना दिया है। बेचारी खुद का फास्ट है लेकिन वो मेरे लिए खाना बना दी। बाद में जब मैंने उसको बोला तुम खा लो मैं अभी नहीं खाऊंगी, तो वो बोल रही मेरा फास्ट है। तब मुझे लगा अरे यार पहले बताना था, नहीं बनाना था खाना, मैं कुछ बाहर खा लेती, फ्रूट्स खा लेती। लेकिन इस लड़की ने दाल चावल और जो वो भुजिया आलू भुजिया की सब्ज़ी होती है वो उसने बना दी है। तो फिलहाल के लिए तो मुझे भूख लगी नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ निकलते निकलते कुछ थोड़ा बहुत खा लेंगे, क्योंकि नहीं पता यूनिवर्सिटी में कितना टाइम लगने वाला है, तो खाना खा के निकलेंगे। हॉस्टल में रहना भी एक अलग कला है। कैसे कितने कम रिसोर्सेज में काम चलाना पड़ता है, कितने कम रिसोर्सेज में सारी चीज़ें करनी होती हैं, वो हॉस्टल आके हर इंसान जो है वो सीख जाता है। मिली है मेरे 2 अनमोल रतन में से, दूसरे अनमोल रतन से। तो मैं जब यहाँ आती हूँ ना तो बस इन्हीं 2 लड़कियों की वजह से मैं यहाँ पे आती हूँ, वरना मैं जाके या तो होटल में रुकूँ या फिर मैं किसी दूसरे हॉस्टल में रुकूँ, बस इसी चेहरे के लिए मैं आती हूँ। क्या हो रहा था, कैसी है? बढ़िया, एकदम मस्त। चलिए मैं बातें कर लेती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी निकला है, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आप
यूनिवर्सिटी का तो काम नहीं हो पाया, बट जो एडी बिल्डिंग में काम था वो मेरा काम कंप्लीट हो गया है। पूरा दिन यूनिवर्सिटी में भाग दौड़ करने के बाद अभी मेरे सारे काम नहीं हो पाए, फीस सबमिट हो गई, लेकिन फीस सबमिशन के लिए जो एप्लीकेशन देना था और जो काम था ना वो काम नहीं हुआ है, तो उसके लिए तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट क्या करना पड़ेगा, मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा और यहाँ पर अभी रुकने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, जा रही हूँ बस स्टॉप बस पकड़ने। बस पकड़ के निकलेंगे हम लखनऊ और उसके बाद आएंगे वापस। मैं पहुँच गई हूँ लखनऊ और नीलम दीदी मुझे लेने आई है। और यार इतने ज़्यादा मेरे पैर दर्द हो रहे हैं ना, लग रहा है कि जैसे मुझे किसी ने पकड़ के इतना मारा है कि पूछो मत, इतने ज़्यादा मेरे पूरे पैर दर्द हो रहे हैं। एक तो यूनिवर्सिटी में पूरा इधर से उधर घूमते घूमते इतना ज़्यादा मैंने चल डाला, और उसके बाद इतना लंबा सफ़र मैंने पूरा पैर नीचे करके लटका के से रखे हुए थे ना, जिसकी वजह से पूरे पैर एकदम खतरनाक दर्द कर रहे हैं। अब तो मन कर रहा है कि बस कोई एकदम पैर मेरे दबा दे या मसाज कर दे अच्छे से, तो थोड़ा सा आराम मिलेगा या अच्छा लगेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर और साथ में इस ब्लॉग को भी हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।